हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी अध्याय 14, प्रश्नावली 14.1 का 2 नंबर पढ़ेंगे। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करके एवं इस फैक्ट्री के श्रमिकों का माध्य ज्ञात करने बोल रहा है। माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो चलते चलते हम लोग माध्य। दैनिक मजदूरी रुपए में दिया गया है, 100 से 120, फिर 120 से 140। और श्रमिकों की संख्या 12 है, फिर 14 है, फिर 8 है, फिर 6 है, फिर 10 है। तो इस तरह सवाल में लिखा हुआ है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? इस तरह सीधा करके लिखेंगे हम लोग। चलिए हम लोग टेबल तैयार करते हैं। चलिए हम लोग का टेबल तैयार है। तो देखिए, दैनिक मजदूरी इस तरह लिख देना है, श्रमिकों की संख्या इस तरह, इसको एफ भी बोला जाता है। और मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है? मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? ई दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना पड़ता है। 100 जोड़ 120 बट्टे 2 कितना हो जाएगा? 220 बट्टे 2, तो कट के कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तो यहाँ मध्य बिंदु क्या निकला? 110। अब ये दूसरा का देखते हैं कितना निकलता है। 120 जोड़ 140 बट्टे 2 कितना हो जाएगा? 130, 130, 130। देखिए इसमें 10 10 बढ़ोतरी हो रहा है, तो उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे। इसमें कितना बढ़ोतरी हुआ? 110। इसमें क्या हुआ है? 130। यहाँ 120 है तो 130 हुआ, तो हम लोग इसी नियम से चलते हैं। यहाँ 140 है तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? 150। यहाँ 160 है तो हम लोग लिखेंगे 170। यहाँ 180 है तो 190 लिखेंगे। ठीक, अब हम लोग को निकालना है एफ एक्स। ई दोनों को गुना करके तो यहाँ लिखेंगे एफ इंटू एक्स बराबर, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 गुना 110 तो हो जाएगा 1320। अब 14 गुना 130 कितना हो जाएगा? 1820। अब यहाँ हो जाएगा 1200। अब यहाँ हो जाएगा 1020। फिर यहाँ हो जाएगा 1900। इसको टोटल जोड़ के लिखते हैं। एन बराबर कितना है? 50। जोड़ने पे 50 आता है। अब इधर सिग्मा एफ एक्स बराबर, ये सबको जोड़ने पे कितना आता है? 62 60। ठीक है, जोड़ने पे इतना ही आता है। चलिए आगे हल करते हैं, माध्य निकालते हैं। माध्य ये आवर्त माध्य को दर्शाता है। क्या हो जाता है माध्य का फॉर्मूला? सिग्मा एफ एक्स बट्टे एन। सिग्मा एफ एक्स की जगह क्या पे लिखेंगे? और एन के जगह पे 50, तो कटता है कितना बार में? ई 145.2, तो कितना हो जाएगा आंसर? 145.2 आंसर आ गया। वीडियो यही समाप्त करते हैं दोस्तों।